कल एक नोटिफिकेशन वायरल होता है सारे ग्रुपों में, ऐसा लगता है मानो किसी ने जलती हुई आग में और घी डाल दिया हो। मैं लड़के ऑलरेडी बेचैन थे, बड़े परेशान थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने उनके अंदर एक ज्वाला प्रकट कर दी। किसी को है ज्वाला बड़ी अच्छी लगी और किसी को है ज्वाला महाराज बड़ी परेशानी में डालने वाली लगी, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। आपने इस नोटिफिकेशन को कितना समझा मुझे नहीं पता, हमने कितना समझा वो वीडियो लेकर हम आपके सामने आए, बने रहना अंत तक। महाराज यह नोटिफिकेशन के ऊपर जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर एक नोट डला है, दिस रैली प्रोग्राम इज टू टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू अनफोरसीन सिचुएशन, यानी कि स्थिति। भैया कहने का तात्पर्य यह है कि है जो नोटिफिकेशन है, जो जानकारी है, यह अस्थायी रूप से है, ये परमानेंट नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार इसको बदला जा सकता है। महाराज जब आप कॉलेज में पढ़ते हो ना तो कॉलेज में एक चार्ट निकलता है प्रत्येक वर्ष का, उस पर लिखा रहता है कितनी तारीख को गेम होंगे, कब आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो पूरा साल भर का मेनू उस पर बना रहता है। ऐसे ही सरकार वोट बैलेंस के चक्कर में आपको आकर्षित करने के लिए, युवाओं को लगे है सरकार तो बहुत अच्छी है, देखो उसने वैकेंसी निकाल दी, भले वो वैकेंसी 5-10 साल ना करे महाराज पूरी, लेकिन आपको वो दिखा देंगे हमने वैकेंसी निकाल दी। तो भैया ये साल भर का चार्ट है 2023 और 24 का कि इसमें भर्ती होना है, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी WW इंडियन आर्मी साइट पर चले जाओ। अरे महाराज ये नोटिफिकेशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जाम होने के बाद आपको 6 महीने 8 महीने इंतजार करना पड़ा। एक बार जरूर हुआ था पिछली बार कोरोना के समय, उन्होंने फायदा उठा लिया था अज्ञानता के कारण कि आपका फिजिकल मेडिकल बाद आपको पेपर नहीं देने दिया था, तो महाराज वो एक अलग विशेष परिस्थिति बन गई थी। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, आपका 26 अप्रैल को जो पेपर हुआ है उसका परिणाम अभी कभी भी आ सकता है महाराज, और आपके फिजिकल को वो कभी भी बुला सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपके साल भर का मेनू है, टाइम टेबल है सरकार का, वो भी अस्थायी है, कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है महाराज। तो इस नोटिफिकेशन पर जाना विश्वास ना करके अपनी तैयारी पूर्णतः रखो, आपको फिजिकल को कभी भी बुला सकते हैं। हम लोगों की समस्या पता क्या है महाराज, सबसे बड़ी विडम्बना पता क्या है, जैसे हमको समय मिलता कि चलो अब तो बहुत गैप हो गया, हम लोग अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं, हम लोग फिर तैयारी नहीं करते। अरे बहुत समय है हमारे पास, ऐसे बंदे फेल हो जाते हैं साक्षात्कार में, ऐसे बंदे फेल हो जाते हैं फिजिकल में, भगवान इनका साथ नहीं देता। जो बंदा सतत मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, ईश्वर उसी का हाथ पकड़ता है, उसी को खींचता है। अब कई बंदों को लग रहा होगा इस नोटिफिकेशन से एक संदेश गया है, गलत संदेश गया है कि चलो भर्ती तो बहुत लंबी है महाराज, अब क्या करेंगे पढ़ के, अब क्या करेंगे फिजिकल करके, फेल हो जाओगे। बता रहा हूँ 26 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका परिणाम कभी भी आ सकता है, कभी भी फिजिकल को बुला सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है महाराज। भले ही कितनी भी सील ठोक कर आपको बता दें जानकारी, इनकी जानकारी पर हम विश्वास इसलिए नहीं करेंगे महाराज, क्योंकि यह गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। सरकार अपना जो मैनुफेस्ट निकालती है महाराज वो वोट बैलेंस को देखकर निकालती है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में CM शिवराज सिंह ने एक साल पहले बोला था कि 7,500 वैकेंसी हम निकालेंगे, और बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने दे दिया था कि हम पहले दौड़ कराएंगे, नंबर देंगे, बिल्कुल झूठ था। अभी तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब सुनने में आ रहा है कि वो पहले पेपर कराएंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम तो महाराज पगला हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम यानी कि जनता, तो ये हमको उंगलियों पर जाते हैं महाराज, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास पावर नहीं है। दूसरी बात यह है अगर आप यारों में फ़ोन लगाओगे तो कोई नहीं सुनेगा आपको, बेचारे उनको भी नहीं पता कि क्या इनका प्लान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है महाराज। तो मैं आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको कम शब्दों में ही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा समस्याओं पर ध्यान ना देते होंगे, इस नोटिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस ना करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, फ़ायदा मिलेगा मैं बता रहा हूँ, तभी पास हो पाओगे महाराज फिजिकल, तभी पास हो पाओगे साक्षात्कार, ध्यान रखना। अगर आपको सही पे विश्वास है ना तो मन को मजबूत रखो, क्योंकि साक्षात्कार भी होना है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो। बहुत अच्छी बात है भैया, उन युवाओं के पास डिप्लोमा नहीं है तो हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए। एक चीज़ बताओ मुझे, ऐसा कभी होता है किसी के नवंबर में दिसंबर में दे दिए, किसी के जनवरी फरवरी में दे रहे हैं, 4-5 महीने का इतना गैप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑल इंडिया स्तर की भर्ती होती है, एक साथ ही होती है, मुश्किल से 15-20 दिन का गैप होता है बस, ज़्यादा गैप नहीं होता है, क्योंकि उनको पेपर एक साथ ही कराना होता है, एक ही दिन कराना होता है, इतना लंबा गैप नहीं होता है, ठीक है प्रभु। तो वो तो उन्होंने अपना एक सारणी निकाली, टाइम टेबल निकाला साल भर का, कि 2023 और 2024 की हमारी ये भर्तियाँ रहेंगी महाराज, जिसमें 23 में भी हैं और 24 में भी हैं, उनका बच्चे तो 2030 तक भी निकालते हैं महाराज।
निकालने में लग क्या रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है, ये वो निकालने ही तो है, जनता खुश कि देखो वैकेंसी निकाल रही है मोदी सरकार। ठीक है प्रभु, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, इस नोटिफिकेशन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है पूर्ण था, उस पर आर्मी की सील ठुकी हुई है, लेकिन मेरे अनुसार है नोटिफिकेशन, एक साल का आपका पूरा मेनू चार्ट है और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ोगे ध्यान से, कि इसको कभी भी बदला जा सकता है, कोई स्थायी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।